उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक है। दोपहर का टाइम था तो हमने सोचा कुछ क्या बनाया जाए, तो बच्चों ने कहा कि मेरी बेटी को ना चाउमीन बहुत पसंद है, तो हमने सोचा चाउमीन बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने इसमें तिल के, आज हमने सोचा तिल के तेल से बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा हमने तिल का तेल डाला है, थोड़ा सा 2 चम्मच, और इसके बाद ये थोड़ा गर्म हो तो हम इसमें ये लहसुन डालते हैं। ज़्यादा गर्म ना हो उसमें, इतना भी गर्म ठंडा ना हो ना इतना गर्म हो, और इसके अंदर ये लहसुन डालते हैं। होते ही तो इसमें अब इसके अंदर थोड़ी सी प्याज भी डाल देते हैं। हमने सब्जियां सारी काट के रखी हैं, सब्जियों को इस तरीके से बारीक बारीक काटना चाहिए। मेरी बेटी ने सारी सब्जी काटी है। जब भी ये कितना से फ्राई होता है तो हम ये अपने नूडल्स पर देख लेते हैं। ये मैंने चाउमीन को, ये नूडल्स को मैंने बॉईल करके रख लिया है, तो इसके अंदर अब हम बॉईल करके रख लिया है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा चिली सॉस डालते हैं, थोड़ा सा सोया सॉस डालते हैं। आगे कर देते हैं। क्या क्या डाला है हमने? सोया सॉस। अब थोड़ा सा इसमें सिरका डाल देते हैं। सिरका डाल लिया। अब थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डालते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हल कर देते हैं ताकि आपस में ये मिले ना। इसको भी अच्छी तरह से थोड़ा छोटे कर। अब इसमें डालते हैं क्या? सोया सॉस। अब इसमें हम डालते हैं चिली सॉस। ठीक, इसको ज्यादा मिर्ची हो तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकता है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मिक्स हर्ब। ये डाला। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सिरका। सिरका डालने के बाद इसमें डालेंगे हम काली मिर्च। अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से हल कर। हमने सोया सॉस डाला था, फिर नमक तो होता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेते। अभी हम अपनी ये नूडल्स अभी नहीं डालते, इसको थोड़ी देर 1 मिनट के लिए इसको ढककर हम पकाते हैं, फिर हम इसमें नूडल्स डालते हैं और इसको हल करके इसको 1 मिनट के लिए ढककर पकाते हैं। और फिर हम अपनी ये स्पेगेटी जो हमने तैयार करके रखी है, जो इस तरीके से हो गई है, अब वो हम इसके अंदर डालते हैं 1 मिनट के बाद। इसको हमने ओवन में बेक कर लिया और इसके हमने इस तरीके से ये पीस कर लिए हैं और ये हम इसको ऊपर से डालेंगे। इसको हमने पहले से मसाला लगा कर रख लिया था और फिर हमने इसको
बेक कर लिए। जब तो ये कट गया, अब हमारा वो वाला भी मसाला तैयार हो गया, तो इसके अंदर ये स्पेगेटी डाल लेते हैं। चले हमारा ये बन गया है, अब इसको हम डिश में डालते हैं। और ये जो हमने और ये हमारी चाउमीन तैयार। कॉर्न होता तो कॉर्न में डलते, पर हमारे पास कॉर्न खत्म हो गया है। चले हम ये बन गया, अब निकालते हैं खाते हैं, देखिए कैसी बनी है। इसको ढक्कन लगा के रखते हैं। बहुत अच्छी बनी है, आप खाओ। बहुत मजे की बनी है। अपनी वीडियो यहाँ खत्म करते हैं और फिर अगली वीडियो पर मुलाकात होगी। हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।